बढ़िया, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, फ्रेश स्टार्ट ले लेते हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, लीजिए। और अपने आप से एक सवाल पूछिए कि कब तक फ्रेश स्टार्ट लेंगे, कब तक? तुमने ड्रॉप क्यों लिया था? सर एक फ्रेश स्टार्ट लेना था, 11 12th में नहीं पढ़ पाया था। अच्छा, अब क्या हुआ? सर अभी तो बताया बैकलॉग आ गया, ये दो, हाँ एक्सक्यूज दे रहे हो, फिर से फ्रेश स्टार्ट चाहिए। दो महीने बाद तुम ही हो बच्चे हो, तो कहो सर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है या? हाँ पढ़ाओगे? हाँ, तो उसमें आ जाते हैं सर, फ्रेश स्टार्ट लेना पड़ेगा सर फिर से। तुम कभी नहीं कर पाओगे, कब तक भागोगे मेहनत से, कब तक भागोगे इस सच्चाई से कि तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मेहनत करना पड़ेगा तभी सक्सेसफुल होगे। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, पूरी दुनिया कहती है कि सक्सेस का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। सक्सेस दूसरे को कॉपी करने से नहीं मिलता है, सक्सेस के लिए रगड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, जान लगाना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है। तुम भी जानते हो, रिजल्ट होता नहीं है। समझने की कोशिश करो, अभी लास्ट मोमेंट है, इसके बाद तुम संभल के भी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर दो महीने बाद तुम्हारे अंदर बुद्धि आ जाती है तब तक बहुत लेट हो जाएगा। फिजिक्स के एक दो चैप्टर नहीं है, 30-30 चैप्टर है साहब। क्यों परेशान रहते बच्चे? बायोलॉजी तो तुम्हारा फेवरेट है इसलिए तुमने ले लिया, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर ही लेते बच्चे, फिजिकल में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये दो सब्जेक्ट बच्चों का स्ट्रांग होता ही है 90% बच्चों का, और सिलेक्शन यही दोनों में, सिलेक्शन में इन्हीं दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। ये दोनों आपका बहुत अच्छा है तो सिलेक्शन के पास आप पहुंच जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली सेलेक्ट तभी होंगे जब आपका फिजिक्स बढ़िया होगा। और फिजिक्स बढ़िया करने के लिए समय चाहिए, और वो चीज कभी भी जल्दीबाजी में नहीं होता, आपको समय देना पड़ता है। आपकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत धीरे धीरे डेवलप होती है, कई बार आप सीखते हैं, भूलते हैं, सवाल करते हैं, गलती होती है, फिर आप आगे बढ़ते रहते हैं, पेशेंस रखना होता है, समय लगता है उसमें। और आप चाहेंगे कि एक लेक्चर लिया और फिर सारे सवाल हो जाए, ये नहीं हो पाएगा, और कम पढ़ के तो कभी भी नहीं हो पाएगा। नीट बहुत कोई हाई फाई गेम नहीं है, बहुत लेवल वाला एग्जाम नहीं है, बट नीट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है और टाइम कम है, इसीलिए ये टफ एग्जाम माना जाता है। अगर आपको नीट 21 का पेपर मैं दे दूं और 2 घंटे टाइम दे दूं, बोलो इसमें फिजिक्स सॉल्व कर लो, तो तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। लैंग्वेज का ही तो गेम है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री सॉरी बायोलॉजी केमिस्ट्री धोखा है, पर लो फिजिक्स अभी मौका है। 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो मौका आपके हाथ से निकल जाएगा, जनवरी फरवरी में। आप कितनी भी मेहनत कर लो, 3-3 सब्जेक्ट होते हैं, तीनों सब्जेक्ट में 30-30 चैप्टर होते हैं, बहुत आसान नहीं है। और भागने से तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन 1.0 में सर नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत ज्यादा है। हाँ, तो तू कम पढ़ के सेलेक्ट होना चाहता है, नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत ज्यादा है। तो नंबर ऑफ लेक्चर्स में क्या है, क्वेश्चन ही तो है। अगर मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा दूँ और थोड़े बहुत क्वेश्चंस करा दूँ, अब तू जाके कोई किताब सॉल्व करेगा और वहाँ पे क्वेश्चन देखेगा, तुम्हें नहीं आएगा, फिर तू 15-20 मिनट इधर उधर डाउट में वेस्ट करेगा, नेट पे सर्च करेगा, किसी से पूछेगा, फिर उसको समझेगा। उससे बेहतर है ना बेटा 1 घंटे में वैसे वैसे 20 सवाल में करा दे रहा हूँ तुम्हें, एक्स्ट्रा 1 घंटे लेके या एक्स्ट्रा 2 लेक्चर लेके। किसी चीज में बिना मेहनत के कभी भी सक्सेस नहीं मिलता, वो मेहनत करना पड़ेगा। अभी भी आपको डाउट है सर हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कितना करना सफिशियंट है? देखो, अगर तुम 24 आवर में 15 घंटे 12 घंटे 11 घंटे पीडब्ल्यू ऐप यूज करते हो और 1 घंटे इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, सिलेक्शन नहीं होगा। सर क्या बात करो सर, 11 घंटे तो ये यूज किया है, बच्चे गप से पोस्ट लगाते हैं इंस्टाग्राम पे, 12 घंटे हमने पीडब्ल्यू ऐप यूज किया है और सिर्फ 1 घंटे हमने इंस्टाग्राम ऐड चलाया है। खत्म। क्योंकि 11 घंटे तूने पढ़ाई की है, उसमें तुम्हारा कंसंट्रेशन कितना था पता नहीं, लेकिन 1 घंटे इंस्टाग्राम चलाते समय तो खो गया था। और जिस काम में तुम्हारा मन लग जाए, खो जाओ, वो 1 घंटा ही काफी होता है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तुम्हारे दिमाग में कचरा भरने के लिए 1 घंटा ही बहुत है, आधा घंटा ही बहुत है। तो सर हम छोड़ देगा,
सर थोड़ा बहुत इसलिए चलाते हैं कि आपसे कभी कभी कुछ डाउट पूछ ले, आप रिप्लाई करते नहीं हो, लेकिन भरोसा रहता है, इंतज़ार रहता है, कभी कभी इसलिए चला लेते हैं। ठीक है, वो उसका सही यूज़ कर रहे हो, दो तीन मिनट के लिए ऐसा यूज़ कर रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन तुम पूरे दिन अगर चला रहे हो, एक घंटे भी चला रहे हो, या फिर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, या किसी भी वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट हो ना, किसी भी रीज़न से, घर वालों की वजह से हो, या तुम्हारा पर्सनल रीज़न है, या किसी इंसान की वजह से हो, किसी भी वजह से तुम इरिटेट हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो तुम्हारी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा, तुम नहीं कर पाओगे। अब तुम यही सवाल पूछते रहोगे कि मैनेज नहीं हो रहा, मैनेज नहीं हो रहा। तुम पहले डिस्ट्रैक्शन से दूर तो जाओ और इंटेंशन तो क्लियर करो। 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में सिर्फ PCB चलना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चलना चाहिए, और फिर पूछो कि सर अभी भी मैनेज नहीं हो रहा। पूछ ही नहीं सकते, आराम से मैनेज होगा, आराम से मैनेज होगा।